नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मुझे आप सभी स्टूडेंट के साथ कुछ अच्छी खबर शेयर करनी है। यहां पर मेरे पास न्यूज़ आर्टिकल है एम्स न्यू दिल्ली के बारे में और एक नए एम्स मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो ये आर्टिकल में ऐसा लिखा है कि एम्स न्यू दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपग्रेड किया जाने वाला है और इसका प्लान कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। द यूनियन गवर्नमेंट रिसेंटली गेव इट्स इन प्रिंसिपल अप्रूव टू इम्प्लीमेंट द मास्टर प्लान to transform AIIMS New Delhi into a world-class medical university and to set up a new AIIMS institute in Haryana at the cost of ₹1299 crore। यानी AIIMS New Delhi को upgrade करने वाले, उसके साथ ही AIIMS का नया institute हरियाणा के state में construct होगा। अब यह जो master plan है AIIMS New Delhi के लिए, यहाँ पर काफ़ी सारे upgrades होने वाले हैं। adequate space बनाए जाएंगे institute में, वर्टिकल एक्सपेंशन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होने वाला है और यहाँ सभी नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए काफ़ी अप टू डेट होगा, ऐसा यहाँ लिखा है। और यह आप सभी स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर इसलिए है, जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज होता है उसी तरीके से उनको परमिशन मिलेगी सीट इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, मेडिकल फैकल्टी इम्प्रूव होंगे, उसी तरीके से MBBS की सीट भी एम्स के मेडिकल कॉलेज में इम्प्रूव हो जाएगी और उसी के साथ एम्स हरियाणा उन्होंने बनाए ही हैं, ऐसा लिखा है। 100 MBBS स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा एम्स हरियाणा में, उसी के साथ 60 BSc नर्सिंग स्टूडेंट को भी एडमिशन मिलेगा। तो एम्स हरियाणा का कॉस्ट जो है वह अबाउट 1300 करोड़ रुपीज़ है और उसी के साथ 2 से 3 साल में कंप्लीट किया जाएगा। बस इतना सा इन्फॉर्मेशन मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।